तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि भारत अपने करीबी देशों के साथ एफटीए करने में व्यस्त है, यानी जहां पर भी भारत को स्कोप दिखाई देते हैं उस देश के साथ भारत एफटीए करने में बिल्कुल भी देरी नहीं कर रहा है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल देखने के लिए मिला यूएई के साथ। जी हां, यूएई के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और अब बताया जा रहा है कि यूएई की तरफ से इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इतना फायदा होते दिखाई दे रहा है भारत को, जिसकी पहले कल्पना करना मुश्किल था। और बताया जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद यूएई द्वारा भारत के अंदर एफडीआई 3 गुना ज्यादा बढ़ा है, यानी यूएई की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर की जाती थी उसमें 3 गुने की बढ़ोतरी हुई है जब से भारत और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो वित्त वर्ष 2022-23 में यूएई ने भारत के अंदर $3.35 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन इससे ठीक एक साल पहले की बात की जाए तो ये इन्वेस्टमेंट थी $1.03 बिलियन। तो ये एफटीए करने के बाद इतना ज्यादा उछाल देखने के लिए मिला, 3 गुना और उससे भी इवन ज्यादा। अगर बात की जाए यूएई की तो वो कई सारे सेक्टर्स में भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे सर्विसेज, इसके अलावा मैरीटाइम ट्रांसपोर्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट और साथ ही अन्य कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी सेक्टर्स में यूएई की तरफ से भारी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर देखी जा रही है। और एक साल पहले जो फ्री ट्रेड हुआ था उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होती जा रही है, इसके बाद अब बताया जा रहा है कि यूएई भारत के अंदर इन्वेस्ट करने वाला 4th सबसे बड़ा देश बन चुका है। और ये आंकड़ा भारत सरकार के ही डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशनल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में DTIIT कहा जाता है, उनकी तरफ से डाटा जो जारी किया गया है उसमें सारी चीजें निकलकर सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि भारत यूएई के बीच में केपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 18 फरवरी 2022 को हुआ था और 1 मई 2022 को इसे लागू कर दिया गया, यानी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत और यूएई के बीच में उसे केपा कहा जाता है। उसके बाद ये सारी पहल शुरू ही दोनों देशों के बीच में। और सरकारी डेटा के अनुसार बताया जा रहा है कि अप्रैल सन 2000 से लेकर सन 2023 तक यूएई द्वारा भारत के अंदर $15.6 बिलियन का निवेश किया गया है अभी तक, जो कि 2.5% रहा भारत के अंदर इस ड्यूरेशन में टोटल जो एफडीआई हुआ है उसके। तो कहने का मतलब मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों के साथ भारत की अच्छी खासी नजदीकियां बढ़ रही है, जो कि दोनों ही पक्षों के लिए समान अवसर जनरेट करते हैं। और वैसे अभी भी मैं आपको बता दूं कि ये शुरुआत है, क्योंकि भारत यूएई के बीच की पार्टनरशिप बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।